इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में। रेसल मैनिया बैकलैश में होल है रोमन इसके मैच को लेकर काफ़ी सारी बातें निकल के आ चुकी है। क्या ओरिजिनल प्लान्स थे और क्या यहाँ पर WWE एग्जीक्यूट कर दिए तो वो बताने वाला हूँ। और भाई रिसेंट टाइम में जो भाई है ना ड्रू मैकइंटायर ने भी जो एक्नॉलेज कर लिया भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले भाई बैकी लिंच के बारे में क्योंकि बैकी लिंच ने जो भाई थैंक यू किया ट्रिपल एच को। और भी अपडेट्स है तो भाई सब जानने के लिए वो एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक को शेयर कर देना क्योंकि चाहे आपको WWE की न्यूज और अपडेट देखने को मिलती जाती है। चले आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। गाइस बातों को शुरू करने के बाद बैकी लिंच के साथ तो भाई बैकी लिंच जो है ना ट्रिपल एच को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि भाई ट्रिपल एच ने जो हमेशा है ना हमें यार मेल सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया गया है। मेल और फीमेल उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है, हमेशा जो है मेल जैसे फीमेल सुपरस्टार को मेरे को जो है ना NXT में भाई ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रेट स्टोरी लाइन और भाई विद टाइम जो है इन टाइम भी दिया और काफी सारी चीजें जो उन्होंने की है हमारे लिए तो भाई उसी चीज का तो है ना थैंक यू करते हुए नजर आती है। अल्टीमेटली यहाँ पे वो कहना चाहती है कि उन्होंने जो है फीमेल डिवीजन को भी मेल डिवीजन की तरह जो रिप्रेजेंट किया NXT में तो उसी चीज को लेकर वो थैंक यू बोलते हुए नजर आती है ट्रिपल एच को। भाई अगर आपके थॉट्स आप मुझे बता सकते हो। ऐसे बात करें तो भाई मिस्टर मैकमैन के बारे में तो आप तो जानते हो मिस्टर मैकमैन ने मतलब विंस हॉगन ने जो हर चीज के लिए एक WWE में रूल बना रखा है लेकिन भाई फॉल्स एडवर्टाइजिंग मतलब गलत एडवर्टाइजिंग के लिए WWE ने कोई भी रूल नहीं बना रखा है। और ये हर बार जो विंस हॉगन और WWE ऐसा काम करते ही करते हैं किसी भी मैच को हाइप करने के लिए जो है ना किसी पेपरव्यू को हाइप करने के लिए उसकी जो फॉल्स एडवर्टाइजिंग करते हो। यही किया इन्होंने इस बार भी जो ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज किया था ना इन्होंने जैसे मेरा बैकलैश के लिए तो वो जो है ना एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग थी क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो भाई कभी जैसे मेरे बैकलैश में आने वाले नहीं थे, वो सीधा मनी इन द बैंक में ही आएंगे, ये चीज कंफर्म है। और एक और फॉल्स एडवर्टाइजिंग की थी लेकिन उसके बारे में वीडियो में आगे बात करने वाले। जब बात कर लेते हैं आज का स्मैकडाउन का शो के बारे में क्योंकि स्मैकडाउन का शो में भाई WWE एक न्यू चीज है ना एक्सपेरिमेंट की है और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया भाई कमेंट्री टीम के साथ। उन्होंने ये किया कि जब भी कमर्शियल आएगा अपने टीवी पर जब ऐड आता है अपने टीवी पर नहीं देख पाते शो लेकिन मैं तो चल ही जाता है तो उस टाइम जो भी बातें करेंगे पैट मैकाफी और माइकल कोल ये जो बातें हुई वहाँ बैठी हुई जो लाइव ऑडियंस है उनको सुनाई देगी। ये जो चीज आज एक्सपेरिमेंट की है WWE ने देखते हैं इसको आगे कंटिन्यू रखा जाता है फिर नहीं। ऐसे बात कर ले तो भाई बियांका ब्लेयर के बारे में आप सब जानते हुए हर किसी का जो लाइफ में एक अल्टीमेट गोल होता है कि भाई इवेंचुअली जो उसको वो चीज करनी है तो यहाँ पे जो बियांका ब्लेयर का इवेंचुअली जो चीज करनी है उनको वो है भाई उनको मूवीज में काम करना है और उनको भाई बुक लिखनी है। भाई ये दो चीजें उनको करनी इवेंचुअली अपने करियर में, एक तो मूवी में काम और एक बुक लिखनी है। मैंने आपको बताया भी था कि इनका जो हॉलीवुड में जाने का भी प्लान है, अब देखते हैं भाई इन दोनों में से कौन सा काम करती है। ऐसे बात कर ले तो भाई ड्रू मैकइंटायर के बारे में तो भाई रिसेंट टाइम में जो ड्रू मैकइंटायर ने एक्नॉलेज कर लिया हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। एक्नॉलेज तो क्या किया मतलब उन्होंने भाई मान लिया है कि जो ट्राइबल चीफ है वो भाई हमारा नीडल मूवर है और कोई नीडल मूवर नहीं है। वो यहाँ पे कहते हैं रोमन की तारीफ करते हुए रोमन ने जो भी कहता वो भाई सच कह रहा है, अपने कैरेक्टर में रहकर वो जो भी कह वो सच बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा है इसलिए मुझे उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और मैं जो भी उसे एक्नॉलेज करता हूँ कि वो है ट्राइबल चीफ वो है रियल नीडल मूवर। और यहाँ पे ये बताते हैं कि ये सब बातें अलग है लेकिन ये मत बोलो कि मैं जो है रोमन को हराने वाला हूँ, जब मेरा क्लेमर पड़ेगा उसके चेहरे पर तो तब वो हार जाएगा और उससे जो मैं एक चैंपियनशिप ले लूंगा। मुझे यहाँ पर बोल्ड प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि जो ड्रू मैकइंटायर है वो भाई यूके वाले पेपर में एक न एक टाइटल तो है ना लेके जाने वाले, ये मेरी प्रिडिक्शन। अब देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। बात करें तो भाई एलायस यंग भाई एजिकल के बारे में तो भाई एजिकल जो अपने गोल्स उठाते हैं WWE में वो कहते भाई मैं जो है टाइटल जीतना चाहता हूँ और उनको ये भी लगता है कि वो जो भाई टेक डाउन कर सकता है रोमन रेंस को। ये कुछ कहना है यहाँ पे एजिकल का कि वो जो भाई रोमन रेंस को हराने वाले, आप क्या थॉट्स आप मुझे बता सकते हो। बात करें भाई किंग बुकर टी के बारे में तो भाई बुकर टी कहता है आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ रोमन हैड द टाइटल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो रोमन यहाँ पे कहना मतलब बुकर टी कहना चाहते हैं कि अगर रोमन रेंस के बाद अगले 2 साल तक भी चैंपियनशिप रहती है तो वो जो भी चीज़ें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे उनके हिसाब से वो चीज़ भी सही है। अब कौन कौन देख सकता है भाई रोमन को अगले 2 साल तक चैंपियन मुझे बता दो, मैं देख सकता हूँ आराम से। ऐसे बात कर लेंगे भाई WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में तो भाई कल या परसों के आसपास जो है ना WWE की जो अर्निंग कॉल हुई थी और वहाँ पर WWE बात क्लेम करती है कि वो जो है ना एक्सपेंड करने को सोच रही है परफॉर्मेंस सेंटर अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह वो जो है ग्लोबल एक्सपेंशन का सोच रही है। और ऐसी कुछ रिपोर्ट भी आई थी थोड़े दिन पहले डेव मेल्जर की तरफ से कि भाई ट्रिपल एच का आइडिया है कि हम जो भी NXT है ना NXT उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जगह फैलाए जैसे NXT UK वैसे वो NXT जापान और साथ ही यहाँ पे नाम लिया NXT इंडिया का तो भी हो सकता है बहुत ही आने वाले कुछ सालों में कहते तो 5-6 सालों में आपको परफॉर्मेंस सेंटर NXT इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है ना तो भाई काफ़ी बड़ी बात होगी। ऐसे बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी हुई जैसे मैं बैकलैश 2022 के प्रोबेबली शो ओपनर के साथ क्योंकि ये मैच जो शो ओपनर ही होगा और ये होने वाला भाई रोमन रेंस का 6-मैन टैग टीम मैच हो सकता है, मेन इवेंट भी हो जाए उसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है पर मेरे हिसाब से शो ओपनर होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई इसको लेकर जाना कुछ ओरिजिनल प्लान निकल के आ चुके हैं। हमें पहले क्या दिखाया गया यहाँ पे होने वाला टाइटल यूनिफिकेशन, फिर दिखाया गया यहाँ पे होगा रोमन और ड्रू मैकइंटायर का सिंगल्स मैच, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे 6-मैन टैग टीम मैच जिसमें कोई भी टाइटल ऑनलाइन नहीं है। तो यहाँ पे भी WWE ने बहुत बड़ा गेम खेला है क्योंकि WWE का ओरिजिनल प्लान यही था कि हम जो इवेंट चलो है ना 6-मैन टैग टीम प्लान ही करवाने वाले, इनका कोई प्लान ही नहीं था कि हम जो कभी यूनिफाई करवाएंगे टैग टीम टाइटल्स। और यही जो है ना एक और फॉल्स एडवर्टाइजिंग की उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ साथ कि हम जो यहाँ पे है ना टैग टीम टाइटल्स का यूनिफिकेशन करवा रहे ताकि भाई लोग अट्रैक्ट हो, लेकिन ये जो एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग थी और इवेंचुअली होना यहाँ पे 6-मैन टैग टीम मैच ही था, ये ओरिजिनली प्लान भी
था। तो यहाँ पे भी WWE ने बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग का गेम खेला है। बाकी आपके थॉट्स आप बता सकते हो। इस वीडियो को इन्फॉर्मेशन थी। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब टेक केयर।